कभी आप ऐसी जगह पर चले जाते हैं जैसे मीटिंग वगैरह में जब भी आप जाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं कि आप अपने मोबाइल को साइलेंट कर लेते हैं, या दोस्तों आप चाहते हैं बहुत सी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर आप चाहते हैं कि वहाँ पहुँच कर मैं अपनी मोबाइल को साइलेंट कर लूँगा, और आप अपने मोबाइल को साइलेंट करना भूल जाते हैं और क्या होता है कि बीच में आपका फ़ोन आ जाता है और सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी ट्रिक जिससे कि आप अपने किसी भी आवश्यक जगह पर जहां आप चाह रहे हैं कि यहां पर पहुंचने के बाद हमारे मोबाइल साइलेंट हो जाए, तो वहां पर पहुंचने के बाद आपके मोबाइल साइलेंट हो जाएगी और जब आप चाहेंगे जितना देर के लिए उतनी देर बाद आपके मोबाइल जो है फिर से जो है जनरल मोड में हो जाएगी, यानी सामान्य मोड में हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हो नाली दर्पण चैनल। तो चलिए दोस्तों हम आपको ट्रिक बताते हैं कि कैसे कैसे आपको क्या क्या सेटिंग करनी है। दोस्तों उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे और प्ले स्टोर पर पहुँच कर एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे तो उसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, तो उसको आपको ओपन करना होगा। जैसे आप उसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ओके पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर चलिए मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब इस एप्लीकेशन को परमिशन देना होगा, तो यहाँ पर मैं परमिशन जो है अलाउ कर देता हूँ। तो देखिए मैंने अलाउ कर दिया है। अब फ्रेंड यहाँ से मैं बैक करता हूँ। बैक आने के बाद देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। यहाँ पर नीचे देखिए एक प्लस का आइकन दिख रहा है, तो इस प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ दो ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर एक कैलेंडर वाइज और एक स्कड्यूल। तो आप अगर जिसे एक किस समय के लिए अगर आप डेट बाई डेट सेट करना चाहते हैं जैसे 20 तारीख को, 18 तारीख को या 25 तारीख को, तो आपको जो है कैलेंडर पर क्लिक करना है। नहीं तो आप जो है एक समय सेट करना चाहते हैं जैसे अगले दिन किस समय पर आपका सेट हो, एक दिन, दो दिन या डेली के लिए, तो आपको क्या करना है कि स्कड्यूल रूल पर क्लिक करना है। तो जैसे मैं स्कड्यूल रूल पर क्लिक कर दिया हूँ तो यहाँ पर देखिए आपको सभी डेट आपको यहाँ पर सभी दिन देखने को मिल रहा है, सातों दिन यानी कि संडे मंडे करके सभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और उसके बाद यहाँ पर टाइम दिख रहा है, तो आपको इनेबल पर ऊपर क्लिक करके इसे इनेबल करना है। उसके बाद वाइब्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है, वाइब्रेशन रहेगा कि नहीं रहेगा। उसके बाद यहाँ से आप सभी डेट सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको किस किस दिन की ज़रूरत है, तो आप उस दिन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद स्टार्ट टाइम यानी कब आपके मोबाइल साइलेंट रहे वो इस पर आप क्लिक करके स्टार्ट टाइम पर समय सेट कर सकते हैं, और एंड टाइम यानी कि कितने देर के बाद जो है फिर से साइलेंट मोड हट जाए आपको वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको टाइम दिखा देगा कितनी देर के लिए जो है आपका ये जो सेट किया गया है। तो इस प्रकार से आप जो है ये एप्लीकेशन सेट कर सकते हैं। तो ऐसे जो है आप सेट कर लीजिए, आप जब भी जहाँ भी मीटिंग वगैरह जहाँ कहीं भी जाएंगे अगर आप बाय चांस वहाँ पहुँचने के बाद भूल गए हैं तो आप पहले से इसको सेट करके रखिए ताकि ऑटोमेटिक आपके मोबाइल साइलेंट हो जाए।